नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल लैब लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको ना ही कहीं सुनने को मिलेगी, ना ही आपको ये स्कूल में बताया जाएगा और ना ही किसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले टेलीफोन या फिर फोन पर हेलो शब्द किसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी फोन तो रखते ही हैं और जब भी आपके पास कभी कॉल आता है या फिर आप किसी को कॉल करते हैं तो आप सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी और हम सभी हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं, पर आपको बता दूं पहले टेलीफोन पर या मोबाइल पर हेलो शब्द नहीं बोला जाता था। सबसे पहले बोला गया था शब्द वो था अहो। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि हेलो शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहां हुआ और कैसे फिर इस शब्द का इस्तेमाल हम सभी करने लगे। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस व्यक्ति का नाम। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। और उन्होंने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था तो सबसे पहले उन्होंने अपने परम मित्र वॉटसन को कॉल किया था। और जब उन्होंने वॉटसन को कॉल किया था तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले हेलो शब्द ना बोलकर अहोय शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ, AHOY अहोय, जिसका मतलब भी लगभग हेलो ही होता है। और फिर टेलीफोन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और लोग फोन पर अहोय शब्द का इस्तेमाल करने लगे, पर यह कुछ महीनों तक ही चला। और कुछ महीनों के बाद जब टेलीफोन सभी लोगों के पास आ गया और टेलीफोन हर एक घर में पहुंच गया तो अहोय शब्द की जगह आर यू देयर का इस्तेमाल होने लगा। जी हाँ, आर यू देयर, जिसका मतलब है कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आप वहां पर हैं। तो दोस्तों कुछ महीनों तक फिर आर यू देयर का इस्तेमाल चलता रहा। और फिर एक दिन थॉमस एडिसन को एक कॉल आया। जी हाँ, थॉमस एडिसन, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसा महान व्यक्ति, एक ऐसा महान साइंटिस्ट जिसने हमारी दुनिया को बल्ब दिया है। जी हाँ, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। और बल्ब ही नहीं, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है जो कि हमारी दुनिया के लिए बहुत ही आज काम आ रही है। तो थॉमस एडिसन पर एक कॉल आया, शायद उनके किसी दोस्त ने किया था, और उसने थॉमस एडिसन को सबसे पहले कहा अहोय। तो थॉमस एडिसन को यह शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने अहोय शब्द का इस्तेमाल ना कर हेलो शब्द का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा। और फिर थॉमस एडिसन ने एक प्रस्ताव रखा कि फोन पर सबसे पहले हेलो शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और फिर 1877 में थॉमस एडिसन ने पिट्सबर्ग में स्थित सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीकास्ट के अध्यक्ष TBA स्मिथ को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा था कि फोन पर सबसे पहले बोला जाने वाला शब्द हेलो होना चाहिए। और कुछ महीनों के बाद ही उनका यह प्रस्ताव पास भी हो गया। और फिर क्या था, वो दिन है और आज दिन है, हम सभी तब से फोन पर हेलो शब्द का इस्तेमाल करने लग गए। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ था फोन पर हेलो शब्द बोलने का आविष्कार। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, मैं जानता हूँ आपको ये जानकारी कहीं भी नहीं मिल सकती और आपने इससे पहले ये बात कहीं सुनी भी नहीं होगी, तो आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।